बागेश्वर जिले में लीलियम पुष्प की खेती भी किसानों की आजीविका का आधार हो सकता है। कई किसान लीलियम फूल की खेती कर रहे हैं, लेकिन लीलियम की खेती कर रहे किसानों के समक्ष कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। इन्हें दूर करने के लिए लीलियम की खेती कर रहे किसान दीपक गड़िया ने जिलाधिकारी अनुराधा पाल से मुलाकात की। किसान बताते हैं कि कोरोना काल में बेहतर खेती होने के बाद भी उन्हें बाजार नहीं मिल सका, जिस कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और इस बार खेती पर मौसम की मार पड़ी है तथा लीलियम के फूलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए उन्हें भारी परिवहन की राशि चुकानी पड़ रही है। ऐसे में किसानों को प्रशासन द्वारा राहत दी जानी चाहिए। इधर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने किसानों की समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया है। तकरीबन पिछले 3-4 वर्षों से लीलियम पुष्प की खेती करता हूं और पिछली बार जो हमने खेती की थी 1,500 हमने बल्ब लगाए थे, उस दौरान कोविड की वजह से हमारा वो सामान मार्केट में जा नहीं पाया तो हमें बहुत नुकसान हुआ था। तो हमने 1-2 साल रुक करके फिर से लीलियम की खेती करने का विचार आया और हमने किया। यहाँ पर सरकार ने सब्सिडी जरूर दी, हमको अनुदान दिया, 50% का अनुदान है और मैंने 6,500 बल्ब अभी लगाए हैं। तकरीबन 3.25 लाख के आसपास इसकी कीमत है और उसके बाद पूरी खेती में जितनी मेहनत और सब कुछ लगा के तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपये का मेरा खर्चा आया था। तो थोड़ा सा इस बार बल्बों में कमी थी, पौधे अच्छे नहीं हो पाए तो थोड़ा नुकसान मुझे लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या रहता है कि ट्रांसपोर्टिंग की बात आती है। यहाँ से हमारा जो सामान होता है लीलियम वो दिल्ली जाता है, दिल्ली इसकी मार्केट दिल्ली में ही है और दिल्ली हमने अगर भेजना है तो टैक्सी तो वहाँ जा नहीं पाती, बसों से हम पर संपर्क करते हैं तो बसों का किराया इतना ज़्यादा होता है कि हमें नुकसान, उससे भी बहुत नुकसान होता है। तो मैं अभी डीएम मैम के पास यही निवेदन लेकर के आया था कि इसके बाद 1-2 महीने के बाद फिर से मैंने यही काम करना है तो फिर से मुझे थोड़ी मदद आप कीजिएगा, मैं नए बल्ब और मुझे मिल जाए और जो ट्रांसपोर्टिंग है वो ट्रांसपोर्टिंग में भी रोडवेज से थोड़ा संपर्क हो पाए तो सही तरीके से सही उचित दामों पर तो उसमें मुझे मदद मिलेगी। तो मेरे को देख करके हो सकता है और भी लोग इसमें काम करें, ये रोज़गार की बहुत अच्छी संभावना है। हाँ, मैम ने मुझे भरोसा दिलाया, मैम ने कहा कि मैं विभाग से बात करूंगी, संबंधित विभाग से बात करूंगी और आपको इस ये समस्या से निदान मिल जाएगा। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।